हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टू क्लासेस में आपको फर्स्ट क्लास की जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का, हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 1 है हमारा कंपैरिजन, लेसन 1। तो हमने दो लास्ट वीडियो बनाए थे और उसमें आपको काफी कुछ करा दिया था। एक्सरसाइज नंबर 8 तक मैंने आपको करवा दिया था, है ना। आपके जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, कुछ बुक में करने के लिए और कुछ नोटबुक में करने के लिए कहा था मैंने। तो आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 9 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ नोट डाउन किया है, एक्सरसाइज 9 में क्या टॉपिक है, नियर एंड फार। एक्सरसाइज 10 में है टॉप एंड बॉटम। मैंने डायग्राम भी बनाया है क्योंकि डायग्राम थोड़ा सिस्टम है, आप लोगों से भी नहीं बनेंगे, इसलिए आपको सारे बुक में ही करना है, ठीक है। ये वाला काम एक्सरसाइज नंबर 9 है, उसमें इस तरह की पिक दे रखी है, तो ये आपको बुक में ही करना है और जो नोटबुक में करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, एक्सरसाइज नंबर जो 9 है उसमें है हमारा टॉपिक नियर एंड फार। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, सर्कल द डॉग नियर द हाउस। मतलब उस डॉग की पिक पे आपको सर्कल करना है पेंसिल से जो घर के नजदीक है। तो घर के नजदीक कौन सा डॉग है, ये या फिर ये, दिस वन, है ना। तो आपको इसको इन पेंसिल से ऐसे राउंड सर्कल बनाना है इसके ऊपर। ओके, ये वर्क आपको बुक में ही करना है। और जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर्कल द बर्ड फार फ्रॉम द नेस्ट। मतलब अपने घोंसले से जो पक्षी, जो बर्ड दूर है उस पे आपको सर्कल करना है। तो ये रहा नेस्ट, और नेस्ट के नजदीक है ये बर्ड, और ये है फार, है ना। नियर ये है, ये फार, इस क्वेश्चन में बोला है फार। तो आपको ये जो बर्ड है इस पे सर्कल करना है, दूर वाली चिड़िया पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज नंबर 10 एंड टॉपिक इज टॉप एंड बॉटम। नियर पास का मतलब मैंने बता दिया, नियर मतलब पास, फार मींस दूर, पहले भी बताया था मैंने वीडियो में, वापस बता रहा हूं। टॉप मींस ऊपर, बॉटम मींस नीचे, है ना। जो सबसे ऊपर वो टॉप और जो सबसे नीचे वो बॉटम। तो एक्सरसाइज नंबर 10 में देखिए आप, यहाँ पे भी एक कुछ दो पिक्स दे रखी है। पहले क्वेश्चन में बोला है, सर्कल द एनिमल एट द टॉप ऑफ द स्टेयर। स्टेयर मतलब सीढ़ियां, सीढ़ियों में जो सबसे टॉप पर है उस एनिमल पे आपको सर्कल बनाना है। तो देखिए, कैट और माउस दे रखा है, रेड। तो आपको दोनों में से एक कौन दिख रहा है टॉप पे, रेड माउस, है ना। तो इस पे आप सर्कल कर देंगे। और उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको झूला दिख रहा है, स्विंग। द सर्कल द चाइल्ड ऑन द बॉटम ऑफ द स्विंग। ये जो स्विंग है झूला, इसमें बॉटम यानी कि नीचे कौन सा चाइल्ड दिख रहा है आपको, नीचे ये वाला चाइल्ड दिख रहा है, तो इसको आपको सर्कल करना है पेंसिल से। और ये काम आपको बुक में ही करना है, ये आपका CW रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो कुछ फिल्म दे रखा है और एक फोटो दे रखी है आपको। ये देखिए, लुक एट द पिक्चर, ये एक पिक्चर दे रखी है आपको। इस पिक्चर में देखना, एक फैन दिख रहा है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर लैंप है, उसके नीचे एक बॉल दिख रही है टेबल के नीचे। तो इस पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फिलअप पूछे गए हैं 4। ये फिलअप को आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखते हुए फिल करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट। तो मैं आपको बताऊंगा आंसर सारे, और आपको वो आंसर यहाँ से देख के बुक में भी फिल करना है। बुक में फिल करने का काम आपका CW रहेगा, और नोटबुक में जो आप ये काम करोगे फिल्म वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं अभी नोट डाउन कर दूंगा, पहले आप आंसर देख लीजिए इनका, इस पिक्स के अनुसार फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द, आपको कौन कौन सा वर्ड यूज करना है फिलअप के लिए, अंडर, अबव, बिलो एंड ऑन। अंडर मींस किसी चीज के नीचे, अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे होता है बट किसी चीज के नीचे जरूरी नहीं है, बिलो यानी नीचे, ऑन यानी ऊपर, उस पर, उस चीज पे पड़ा रखा हुआ। देखिए, फैन पहला जो है इस पिक्चर को एक क्वेश्चन बन रहा है, फैन इज डैश द टेबल लैंप। ये जो टेबल लैंप है, लैंप दिख रहा है आपको, टेबल लैंप, इस टेबल लैंप फैन कहां पर है, अबव, बिलो, ऑन और अंडर, कहां पर आएगा, ऊपर है फैन तो, टेबल लैंप के ऊपर के लिए आपका वर्ड कौन सा है, एक तो ऑन है, ऑन तो किसी चीज के ऊपर रखी हुई चीज होती है जैसे टेबल पे पड़ी है, लेकिन ये तो और ऊपर है, तो उसके लिए हम अबव वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाले में आपका आएगा, फैन इज अबव द टेबल लैंप, टेबल लैंप के ऊपर है फैन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके, बॉल इज डैश द टेबल। ये जो बॉल है
ये टेबल के कहाँ है? नीचे, टेबल के जस्ट नीचे है, तो उसके लिए हम बिलो नहीं अंडर वर्ड यूज करें। जब किसी चीज के नीचे कोई चीज होती है उसके लिए हम अंडर वर्ड यूज करते हैं। यहाँ आएगा बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बॉल है। नाउ द थर्ड वन इज टेबल लैंप इज डैश द फैन। अच्छा अब बताइए टेबल लैंप जो है वो फैन के ऊपर है कि नीचे? फैन तो टेबल लैंप के ऊपर है, लेकिन जो टेबल लैंप है वो फैन के नीचे है। नीचे के लिए यहाँ पे दो वर्ड दिए, एक तो अंडर बिलो, अंडर मैंने क्या कहा किसी चीज के नीचे हो, तो फैन तो एकदम सीलिंग पर लगा है, तो उसके लिए हम अंडर वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिलो समझा रखा है। बिलो टेबल लैंप इज बिलो द फैन, ये चारों वर्ड आपके यूज में आएंगे, तो तीन थ्री वर्ड तो यूज आ गए, एक बचा है वो इसमें लास्ट वर्ड में यूज होगा। तो टेबल लैंप इज बिलो द फैन, फैन के नीचे है टेबल लैंप। फोर्थ वन इज टेबल लैंप इज डैश द टेबल। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टेबल लैंप है ये टेबल के क्या है, ऊपर या नीचे? ऑब्वियसली ऊपर। और मैंने कहा जब किसी चीज के ऊपर कुछ चीज रखी होती है साथ में जोड़ के, ये तो फैन तो क्या थोड़ा डिस्टेंस पे है, बट ये जो टेबल लैंप है जस्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो किसी चीज के ऊपर रखा होता है उससे जुड़ी होती है, तो उसके लिए हम ऑन वर्ड यूज करते हैं ऊपर के लिए। हम यहां लिखेंगे द टेबल, द टेबल लैंप इज ऑन द टेबल। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 11 का फिलअप करने हैं। ये आपका स्टूडेंट होमवर्क रहेगा और बाकी जो बुक का काम है वो सारा क्लास में रहेगा। बुक में भी करना है आपको ये 11 वाला और 9 और 10 एक्सरसाइज भी, ठीक है? तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में, यहाँ से देख के फिल कर लीजिएगा या फिर सिलेक्ट हुए और होमवर्क के लिए मैंने यहाँ नोट डाउन कर ही दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही 3 एक्सरसाइज करेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।